थोड़ा सा भी समय निकाल करके परमात्मा से जुड़ने का काम करते हैं, इससे बड़ा और कोई भी सौभाग्य जीवन में हो ही नहीं सकता। क्यों? कई लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लोगों के मन में आता है कि कथाएं क्यों सुननी चाहिए, कथाओं की आवश्यकता क्या है। मैं आपसे यह कहता हूं कि आपने इस बात को अनेक बार सुना होगा कि जीवन में कथाएं व्यथा को दूर करने का काम करती हैं, कथा व्यथा को दूर करने का काम करती है। ये बात हमने पहले सुनी है, कई बार कही है, अनेक बार जानी है, लेकिन मैं इससे हटकर के थोड़ी सी बात और कहता हूं कि कथाएं व्यथा को दूर करती, ये सच है। जीवन की व्यथा को, संसार की व्यथा को, भव रोग की व्यथा को दूर करने का काम कथाएं करती हैं, सच है। लेकिन कथाएं वास्तविक रूप से व्यवहारिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, सामाजिक जीवन को हर दृष्टि से पूर्ण बनाने का काम अगर कोई करता है तो वो ये कथाएं ही है, कथाएं ही वो काम करती है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज को जोड़ने की बात हो, चाहे वो जीवन को जीने की शैली की बात हो, चाहे वो घर परिवार को संभालने की बात हो, चाहे जीवन की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने की बात हो, चाहे देश की बात हो, और चाहे आध्यात्मिक जीवन की बात हो, कथा हर दृष्टि से आपको संकेत करती है, कथा हर दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करती है, कथा हर दृष्टि से आपको दिशा देने का काम करती है।